क्या आप बालों के झड़ने, डैंड्रफ या गंजेपन से परेशान हैं? अब बालों की तमाम परेशानियों से छुटकारा पाइए। 99 हर्ब्स हेयर ऑयल लगाइए, जिसे 99 खास जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। कस्टमर केयर 7207-430058। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल को लेकर है। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवान मान ने भी जो है आज तेलंगाना आकर सीएम केसीआर से मुलाकात की, और इन तीनों की मुलाकात में उन लोग ने ये कहा कि जिस देश का प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता तो उस देश की जनता का क्या होगा। लगता है कि इन्हें अभी अभी पता चला है इस बात का, तो भरा लाइए इनके क्या सोचो विचार है हम आपको बताते हैं, और किस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मोदी गवर्नमेंट टुडे हैज इंसल्टेड द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ दिल्ली। आई कैन से विदाउट आयोटा ऑफ डाउट इट इज इंसल्ट टू द स्टेट द दिल्ली स्टेट पीपल। इट इज द पब्लिक मैंडेट। The government has not been nominated by anybody. Government has been mandated by the people of Delhi state. This is not an Arvind Kejriwal gar gaadu. Insult to the people of Delhi. Vaallu kuda buddhi cheptaru kachithanga prabhutvaniki. Wo bhi sabak sikhayenge. To isliye hum log anurodh karte hain Modi ji, aap ordinance withdraw kijiye. Ye acha nahi hai. Aap emergency ki baat hi phir dohra rahe ho, wahi baat la rahe ho. देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया उसके खिलाफ में ऐसे ही ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे, उसके बाद प्लस फॉलोड बाय इमरजेंसी। आप भी उसी रास्ते में हो। भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले, आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है, इस वर्स्ट देन इमरजेंसी। You are not allowing the people elected, very popularly elected Delhi government to function. Even you are not able to honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journeys towards emergency only, which the country will refute. आपको सबक सिखाएगा, अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रॉ कर लो अपने आप, जैसा आप किसानों का कानून, भूमि अध्यादेश का कानून, वो सारा विड्रा कर लिए थे। आप तो माफी के सौदागर हो, तो इसीलिए बेटर है अपने आप में विड्रा करो। आपने जो जंग छेड़ा है बिल्कुल गलत जंग छोड़ा है, इसीलिए हम आपके साथ ही है राजनीति में, आपके समकालीन साथी है, इसलिए सुझाव भी देते हैं। अच्छा नहीं है आपके लिए, ना ये लोकतंत्र के लिए, ना देश के लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बेटर है द प्राइम मिनिस्टर and the government in center today shall withdraw the ordinance without any further loss of time. Otherwise we will unitedly fight. I think the whole system will support Sri Kejriwal ji, because it is a question of the existence of the democracy, democratic system in the country. It is a threat to the democracy, it is a challenge to the democracy, which is not supposed to be in a big country like India. It cannot be tolerated. The government of India should come to senses and withdraw the ordinance. Kejriwal gar, आज हम लोग हैदराबाद में आए और हैदराबाद के ऑनरेबल सीएम राव साहब से मुलाकात हुई, काफी लंबी मुलाकात हुई, काफी अच्छी चर्चा हुई। सबसे पहले मैं राव साहब का हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ टाइम निकाल के मुलाकात की और इतना प्यार और सम्मान हम लोगों को दिया। आई एम ऑल ऑफ अस आर वेरी 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 ग्रेटफुल टू हिम। हमने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी और जैसा भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो, उनकी पार्टी और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश के जनतंत्र को बचाने की है। जो अध्यादेश पारित किया गया है वो देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। सो उनके सपोर्ट से हमें बहुत ताकत मिली है और हम इस सपोर्ट के लिए मैं पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी सरकार दिल्ली में पहली बार जब 2015 में बनी थी, फरवरी 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, फरवरी 2015 में सरकार बनी,
और 23 मई को मात्र 3 महीने के बाद मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाके हमारी सारी पावर छीन ली 3 महीने में। तो अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, पहले हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट्स, सो जितने सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था। हमारी सरकार आने के बाद 23 मई 2015 को उन्होंने नोटिफिकेशन ला के ये सारी पावर छीन ली। तो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई कैन नॉट इवन ट्रांसफर पोस्ट, एजुकेशन सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सारी पावर छीनने के बाद 8 साल तक दिल्ली के लोगों को उन्होंने अपंग करके रखा। हम दिल्ली के लोग 8 साल तक कोर्ट दर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहे। 8 साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को, अभी पिछले कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, 5 जजों ने मिलकर 5-0 से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार मिला। हमें 8 साल लग गए उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में और न्याय लेने में। उसके 8 दिन के अंदर 11 मई को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, 19 मई को मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, पलट दिया। पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए लोग कहां जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता और कानून लाके वो आदेश को पलट देता है, तो फिर तो न्याय के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। कहां जाएंगे फिर लोग न्याय लेने के लिए? फिर तो कोई अंतिम चीज ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है। अब ये अध्यादेश लाके वापस सारी पावर छीन ली, तो एक तरह से जैसे अभी राव साहब ने बिल्कुल सही बोला, ये अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान है, घोर अपमान है। एक तरह से प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी सरकार चुनो, मैं उसको काम नहीं करने दूंगा। तो दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि मैं, तुम जो मर्जी सरकार चुनोगे मैं काम नहीं करने दूंगा। और ये बात केवल दिल्ली के लोगों की नहीं है, पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी राज्य के अंदर लोग नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बना देते हैं तो उसको काम नहीं करने देते। या तो 3 तरीके अपनाते हैं, या तो वहां पे एमएलए खरीद लेते हैं दूसरी पार्टी के, सरकार गिरा देते हैं। कितना हमने देखा, कितनी जगह पे देखा, एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं, या एमएलए तोड़ लेते हैं, ईडी भेज के, सीबीआई भेज के, डरा के एमएलए तोड़ लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं, या फिर ऑर्डिनेंस ले आते हैं गवर्नर के जरिए, गवर्नर का गलत इस्तेमाल करके सरकार को तंग करते हैं। जैसे आप लोगों के गवर्नर आपके बिल नहीं पास होने देते, काम नहीं करने देते उन लोगों को। तो इस तरह से मैसेज ये है कि अगर कोई भी राज्य के लोग नॉन बीजेपी सरकार बनाएंगे तो हम उसको काम नहीं करने देंगे, सरकार तोड़ देंगे। ऐसे देश नहीं चल सकता, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है पूरे देश के सामने। मैं जो पूरे देश भर में घूम रहा हूं समर्थन मांगते हुए, मैं केवल अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा, मैं देश के संविधान के लिए और देश के जनतंत्र के लिए समर्थन मांग रहा हूं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, वो ऐसे भारत के लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी कि एक पार्टी आएगी सेंटर के अंदर, वो पार्टी बस एक ही पार्टी का पूरे देश के अंदर राज होगा। जिस तरह से आज इन्होंने माहौल बनाया हुआ, फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बस वो चला लें इस देश को, फिर मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है, फिर चुनाव लड़ने की करने की क्या जरूरत है, फिर तो ये तानाशाही होगी। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है, बीजेपी के आउट ऑफ 238 MPs बीजेपी हैज ओनली 93 MPs, बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं राव साहब का, अगर हम सब लोग नॉन बीजेपी पार्टीज इकट्ठे हो गए तो इस बिल को हम, और इसको हम राज्यसभा के अंदर गिरा सकते हैं। और अगर ये बिल गिर जाता है तो पूरे देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। ये इसका सेमीफाइनल होगा 2024 का, ये कॉन्फिडेंस देगा पूरे देश के लोगों को कि मोदी जी को हराया जा सकता है। तो ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, देश की आजादी को बचाने की लड़ाई है।
अल इमरान आरडब्ल्यू स्कूल बाय अल इमरान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग योर चिल्ड्रंस एसएससी एंड सीबीएसई सिलेबस विद हिट स्कोर्स. वी फोकस ऑन मेमोरी डेवलपमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ अवर स्टूडेंट्स. We provide robotics, coding, decoding, and animation classes to sharpen the young brains. Build your children's bright future now. हमारा मकसद है हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया और आखिरत के लिए तैयार कर कामयाब करना. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran RW School, building bright futures of students since 2018. Address Toli Choki and Medipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on the numbers given on screen.